हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रकाश यानी कि लाइट्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, आपने लूसेंट पढ़ा होगा। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में आपको लाइट्स चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो फालतू है, आपको वो सब पढ़कर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उस चैप्टर से मैंने आपको बस 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है और वो सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम्स में इससे बाहर आप तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका प्रकाश से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे कहते हैं, तो इसको हम लोग फोटोन कहते हैं। ऑप्शन होगा डी, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत होता है ये यही कहता है कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और उसे हम लोग फोटोन कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि फोटोन पे कौन सा आवेश होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फोटोन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी कि फोटोन एक न्यूट्रल होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ और यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए प्रकाश तरंग कौन सी तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। देखिए अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अब यहाँ पे आप देखिए प्र में भी प्रकाश आता है, प्रकाश यानी कि प्र में प्रकाश। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रकाश का जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, क्लियर फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है, तो देखिए आप देख सकते हैं ध्वनि यानी कि ध, ध्वनि हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसमें ध, तो आप यहाँ पे देखिए अनुदैर्ध्य में ध आता है, तो ध्वनि जो तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंग हम लोग उस तरंग को कहते हैं जहाँ पे माध्यम के जो कण होते हैं वो उसकी जो संचरण की दिशा होती है यानी कि जो चलने की दिशा होती है वो कण के लंबवत होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि मैं कोई ये टॉर्च लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं एक टॉर्च लेता हूँ और इस टॉर्च से अगर मैं लाइट करूँगा तो ये देखो सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि इधर ये प्रकाश जाएगा तो ये सीधी रेखा में जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे ऐसे करके जाता है, नहीं, सीधी रेखा में गमन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जो कि उसके कण जो होते हैं वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, लंबवत दिशा में गमन करते हैं, क्लियर फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ गई कि एक प्रकाश तरंग क्यों होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो प्रस्तावित किया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाइगेंस का सिद्धांत हम लोग कहते हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की गई थी मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैक्सवेल ने 1864 से लेकर के 1865 यानी कि ये दोनों में से कोई भी देता है 64-65 में किया था और ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट वन क्या है फ्रेंड्स कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो सर्वप्रथम यह किसने दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो ग्रिमाल्डी ने दिखाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब ये होता है कि जब कोई प्रकाश किसी भी पदार्थ या धातु पर पड़ता है, तो मान के चलिए कि मैं एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ, अब इस पर अगर लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है किसी पदार्थ या धातु पर, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे से कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्सर्जन करते हैं, यानी कि माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस में यानी कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसको ही हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। सबसे पहले इसको बताया गया था हेनरी हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है। हेनरी हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में इसकी सबसे पहले इसको बताया था, लेकिन इसका सबसे जो बाद में अच्छे से व्याख्या किया गया था वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स 1905 ईस्वी। इससे बीच काफ़ी वैज्ञानिकों ने इसका प्रयास किया था, लेकिन सबसे सफल जो व्याख्या किया गया 1905 के द्वारा आइंस्टीन के द्वारा किया गया 1905 में, और इसी कार्य के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था द्रव्यमान सॉरी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, जो कि E=mc² की जो इन्होंने दिया था। तो आप गलत ना पढ़े, ये आप कन्फ्यूज़ कर सकते हैं,
इन्होंने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया था, जिसकी व्याख्या की थी 1905 में, इसी कार्य के लिए 1921 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग की प्रकृति जो थी उसकी पुष्टि करता है व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि व्यतिकरण के सिद्धांत जो होता है, इसी के आधार पे हमारा जो ये आपने देखा होगा साबुन का जो जो झाग होता है उसके बुलबुले रंगीन चमकदार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे बुलबुले को तो वो चमकदार दिखाई पड़ता है, तो ये व्यतिकरण के कारण। और ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? मान के चलिए आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि ये जो हमारा कोई सरफेस से चिकना सतह है, ठीक है, और सरफेस हो गया, और यहाँ से अगर कोई लाइट आता है तो ये क्या करता है कि सतह से टकरा कर वापस लौट जाता है। तो इस हम लोग इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, इधर से लाइट आता है और इधर से टकरा कर ये वापस चला जाता है, और जब कब ये जो सरफेस होना चाहिए ये चिकना सरफेस होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है फ्रेंड्स, देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वैसे की वैसी रहती है। चाहे आप माध्यम में तापमान की वृद्धि करो या फिर माध्यम में तापमान में कमी करो, उस पर प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि वो वैसे की ही वैसी ही रहती है, उसकी गति जितनी रहती है उतना ही रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, यानी कि चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो कटा हुआ हीरा जो वो उसका चमकने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और भी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होता है सबसे पहला तो जो आपने देखा होगा मृग मरीचिका, जिसको हम लोग कहते हैं मिरेज। ठीक है, वो जो आपने रेगिस्तान में या फिर हम लोग जब भी कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दूर तक हम देखने पे कुछ दिखाई नहीं देता, और जहाँ दूर तक देखोगे तो वहाँ पर आपको लगता है कि पानी है लेकिन वो पानी नहीं होता, जैसे भ्रम होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मिरेज। और ये अक्सर जो होता है ये रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखेंगे, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पे ही आधारित होता है। और एक चीज़ होता है कि अगर कोई भी जो कांच है गया, मान लीजिए कि कोई कांच का टुकड़ा हो गया और इसमें कोई अगर दरार आता है, ये क्रैक कर जाता है, तो इस पर अगर लाइट पड़ता है तो ये चमकदार दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण भी यही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण। इस चीज़ को भी अब याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? मान के चले कि कोई बाल्टी है, अगर हम लोग सिक्का यहाँ पे ये गिरा होता है बाल्टी में पानी भरा हुआ और सिक्का यहाँ पे है, तो ये लगता है कि ये सिक्का यहाँ पे है ऊपर में दिखाई पड़ता है, ये क्यों होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रकाश के अपवर्तन। देखिए अपवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और उनका बहुत सारा उदाहरण भी है जो मैं आपको क्लियर करता हूँ सबसे पहले बताकर। तो सिक्का वाला तो पहला हो गया, और सेकंड की बात करें, देखिए सेकंड होता है कि द्रव में जो डूबी हुई कोई छड़ होती है, सीधी छड़ होती है, अगर हम इसी में अगर हम कोई मैं छड़ को आधे डुबा दूं तो ये लगेगा कि तिरछा, या इस तरह से प्रतीत होगा या इस तरह से प्रतीत होगा, यानी कि तिरछा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण भी अपवर्तन का कारण ही होता है। ठीक है, रात में तारों का टिमटिमाना जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, उसमें भी अपवर्तन आता है, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई पड़ना, ये कारण भी होता है अपवर्तन का। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जल के अंदर जो पड़ी हुई मछली होती है वो थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ती है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मछली यहाँ पे रहती है तो लगता है कि ये मछली यहाँ पे है, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये उठा हुआ थोड़ा प्रतीत क्यों होती है? अपवर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सारे क्वेश्चंस को याद रखना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम टू सेम आ गया जो मैंने आपको भी क्लियर कराया कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? तो थोड़ी ऊपर उठाई क्यों पड़ती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है फ्रेंड्स कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होगा? कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चले कि ये कोई आपका रेरर मीडियम है और ये आपका
डेंसर मीडियम है। तो अगर आप रेयर मीडियम से कोई भी किरण को या फिर प्रकाश जाता है रेयर मीडियम से, तो रेयर मीडियम में मान लेता हूँ कि ये हवा हो गया, ठीक है, हवा, और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया कांच। तो ये क्या होगा, अगर हवा से कांच में प्रकाश जाएगा तो ये क्या होता है कि सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि इधर झुक जाएगा, ठीक है, ये इधर ना जाकर सीधे इधर हो जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सट जाती है, यानी कि सघन सट जाती है, ठीक है, तो सट जाती है, किधर सटेगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वन वही क्वेश्चन आ गया कि मृग मरीचिका जिसको मिरेज कहते हैं, बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। तो मिरेज जो घटना बनती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हीरो का चमकना जो होता है वही होता है, और किसी कांच में दरार जो होता है वो इसी कारण चमकता है, ठीक है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो प्रकाशीय फाइबर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ये भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी हम लोग उसको कहते हैं एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस दो सेट के होते हैं, पहला एक नेत्राक और लेक और एक नेत्रक लेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन ये है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि प्रकाश हवा से ये कांच में जाता है, ठीक है, हवा से अगर कांच में प्रकाश जाता है तो उसमें उसका तरंग दैर्घ्य और उसका वेग, वेग इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होते हैं कि वो दोनों बदल जाते हैं, लेकिन उसका जो आवृत्ति होता है वो हमेशा सेम टू सेम रहता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा कांच में जाने के बाद भी फ्रीक्वेंसी वही होगा, लेकिन दोनों में तरंग दैर्घ्य और वेग कम हो जाते हैं, ठीक है, जो वेग होगा वो घट जाएगा क्योंकि हवा से कांच में जाएगा विरल से सघन में, तो वो थोड़ा सा उसका जो प्रकाश प्रकाश का किरण होगा उसका कम हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसके आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, चेंजिंग सिर्फ तरंग दैर्ध्य और वेग में आती है। आई होप कि आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। तो ये व्यवहार करता है अपसारी, यानी कि अपसारी का मतलब होता है अवतल, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, अवसारी का मतलब हो गया अवतल लेंस, यहाँ पे मैंने लेंस लिखा है, तो अवतल लेंस की भांति वह व्यवहार करता है जिसको इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, तो देखिए यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो कम प्रक्षेपित होता है, प्रक्षेपित यानी कि स्कैटरिंग छित्राना वो जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए खतरे के सूचक के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ताकि वो दूर से देख सके कोई, वो स्कैटरिंग ना हो, छित्राएं नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करता हूँ, देखिए लालिमा जो होता है वो अगर लाल जो छाया जाता है लालिमा वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, लेकिन क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का थोड़ा पहले दिखाई पड़ता है या फिर बाद में दिखाई पड़ता है वो होता है अपवर्तन के कारण, लेकिन लालिमा छाने की बात करती है तो वहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो मिरर कौन सा है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन, तो एक एक करके देखते हैं। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सूर्य का
सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो लाल यानी कि जो मैंने आपको ऊपर में लाली में बताया किसके कारण बताया था, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ये होता है, ना कि अपवर्तन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं कि तारों रात में तारों का टिमटिमाना, ये तो मैंने आपको अपवर्तन के बारे में बताया था कि वायुमंडलीय अपवर्तन में होता है, तो ये करेक्ट है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये बताया नहीं था लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका अपवर्तन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रकीर्णन के कारण कौन सा होता है, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, यानी कि इसमें पूछा गया था नहीं है, तो यह राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्या है कि रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक जो होते हैं डेंटिस्ट, वो प्रयुक्त करते हैं कौन से दर्पण को, तो वो अवतल दर्पण को प्रयोग करते हैं, ठीक है, कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं रोगियों के दांत को देखने के लिए, या फिर आप दाढ़ी बनाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिसको हम लोग हजामती मिरर कहते हैं, हजामती मिरर के रूप में भी वो होता है अवतल दर्पण ही। नेक्स्ट क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ पर बनता है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में रेटिना पर बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रेटिना पे बनता है, और रेटिना पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया। नेक्स्ट देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समतल दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब देखना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति कोई चलिए 6 फीट का है, तो अगर ये अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है किसी मिरर में, तो मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए इसकी आधी होनी चाहिए, यानी कि आधी यानी कि 3 फीट का मिरर होना चाहिए, तब ये जो व्यक्ति होगा अपनी सारी अपना जो पूरा बॉडी होगा वो इस मिरर में देख सकता है, ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति होगा उस वस्तु के आधी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए कि मैं एक कोई मिरर बनाता हूँ, ये कोई मिरर है और एक और यहाँ पे मैं एक और मिरर बना लेता हूँ, ठीक है, ये समानांतर दर्पण है यानी कि दोनों एक समानांतर रखा गया है। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अब कोई ये व्यक्ति है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इस मिरर में ही बनेगा और इस मिरर का फिर इस मिरर में बनेगा, इस मिरर में बनेगा, इस मिरर का इसमें बनेगा, यानी कि ये चलता रहेगा, इसमें चलता रहेगा दर्पण, जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा तो इसका फिर रिफ्लेक्स होकर इसमें बनेगा, तो ये चलता रहेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अनंत। जब कोई दर्पण जो होगा, कोई भी जो वस्तु होगा, अगर समानांतर दर्पण के बीच रखा जाता है, जब भी कोई समानांतर दर्पण के कोई बीच रखा जाएगा तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एग्जाम्स के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी कोई वस्तु होगा किसी दर्पण के बीच रखा जाता है कोई एंगल पर, तो उसके लिए एक फार्मूला का आपको याद रखना है कि 360 बटे थीटा माइनस में 1, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ठीक है। माइनस 1 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के बीच, ठीक है, दोनों दर्पण के बीच, वो हमेशा ऑड नंबर में बनता है, ठीक है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या में बनता है। अब मान के चलिए कि अगर मैंने यहाँ पे 360 बटा 90 लिखा तो ये क्या होता, 9 चौका 36 चार बार में कटता तो यहाँ पे 4 आता, लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी भी प्रतिबिंब जो बनता है फ्रेंड्स वो ऑड नंबर में बनता है, यानी कि इसलिए इसमें माइनस 1 किया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, यही पूछा गया था कि दो समतल दर्पण जो 90 डिग्री के कोण पे रखा गया, यानी कि 90 डिग्री के कोण पे रखा गया, क्लियर, 90 डिग्री के कोण पे ये रखा गया, तो और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मोमबत्ती जल रही है तो क्या होगा कि दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, फार्मूला आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। चलिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री के कोण पर आनत है, तो कोण के बीच खड़ा एक व्यक्ति, जो खड़ा कोई व्यक्ति हो, उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे कि 360 और यहाँ पे हम लोग 60 और माइनस में 1 मैंने आपको बोला था, तो ये देखिए ये 6 बार में कटेगा, माइनस 1 होगा, यानी कि कहने का मतलब आपका क्या हुआ, 5 प्रतिबिंब बनेंगे, तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो जैसे आउटर लेंस की भांति ऊपर हम लोगों ने बात किया था अब सारी लेंस, तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम यही वाला है कि अब सारी लेंस जो होता है वो बुलबुले कैसा काम करता है, आउटर लेंस की भांति कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि डाइऑप्टर किसकी इकाई है, तो डाइऑप्टर जो इकाई होती है लेंस की क्षमता की इकाई होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लेंस की क्षमता की इकाई डाइऑप्टर होती है। नेक्स्ट वन क्या है कि एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता क्या होगा। देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी आपका फोकस जो यानी कि एफ जो अगर दिया हो वो सेंटीमीटर में दिया हो, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर में लिखता हूँ, सेंटीमीटर में दिया हो तो आपको पी इक्वल टू 100 अपॉन में एफ लिखना है, और जब अगर एफ आपका 25 मीटर में दिया हो तो उस समय आपको पी इक्वल टू 1/f लिखना है। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, सेंटीमीटर रहने पर 100 लिखना है और मीटर रहने पर आपका 1/f लिखना है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कौन से फॉर्मूले को यूज़ होगा, तो सेंटीमीटर है यानी कि हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा, तो पी इक्वल टू 100/f, तो f का मान हम लोग क्या रखेंगे 25, तो यहाँ पे ये कटेगा क्या 4 डाइऑप्टर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, सेंटीमीटर रहने पर 100/f लिखेंगे और अगर मीटर है तो वहाँ पे 1/f लिखेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन क्या है फ्रेंड्स कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। जब भी कोई प्रिज्म होता है और यहाँ पे रंग जो होते हैं ये श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंग में विभक्त होता है, तो इसको हम लोग ये किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि, तो इसका कारण ये है कि विभिन्न रंगों की जो किरणों का विचलन होता है वो भिन्न भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजरा तो ये 7 रंग में डिवाइड होता है। ठीक है तो ये देख आप देख सकते हैं कि विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन जो होता है, यानी कि पहले ऊपर बात करें ऊपर में रेड होता है, नीचे आपका वॉयलेट होता है यानी कि बैंगनी, तो आप देख सकते हैं इसका कोड अलग होगा इसका कोड अलग होगा, तो यही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट कलर जो होता है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है। देखिए इस क्वेश्चन को बारीक से समझिएगा कि श्वेत प्रकाश जब होता है, वैसे क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्ट कि कितने रंगों से बना होता है, तो वहाँ पे आपको 7 करना होगा, कुछ लोग 3 भी कर देते हैं, क्योंकि 3 इसलिए कर देते हैं कि जो प्राथमिक मूल रंग है कौन कौन, रेड जी बी यानी कि रेड लाल हरा और ये ब्लू, ठीक है यानी कि नीला, इन तीनों रंगों को अगर आप मिलाते हो समान अनुपात में तो वो आपका भी श्वेत प्रकाश दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया श्वेत प्रकाश, तो प्रकाश यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका 7। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि कितने प्राथमिक 3 रंगों को मिलाकर कौन सा रंग बनता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि श्वेत रंग बनता है। ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्या है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रिज्म बनाता हूँ, ये प्रिज्म हो गया, यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरा तो ये 7 रंग में डिवाइड होगा। ठीक है तो ये 7 रंग में मैंने डिवाइड इसको कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विचलित हुआ वो कौन हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है फ्रेंड्स वो बैंगनी रंग होता है, यानी कि यहाँ पे बैंगनी और ऊपर में लाल, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे प्रकाश यहाँ गुजरना होता है लेकिन ये यहाँ पे गुजरा, तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो विचलित हुआ कौन हुआ, तो वो बैंगनी कलर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम कौन विचलित होता है, तो वहाँ पे लाल हो जाता। ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि 3 मूल रंग कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको ऊपर में एक ट्रिक बताया कि रेड जी बी करके आप याद कर सकते हो, रेड जी बी, ठीक है, तो रेड यानी कि लाल ग्रीन और ब्लू, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाल हो गया, ग्रीन हरा और नीला, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो देखिए जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य भी अधिक होगा, तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन यानी कि वो चित्राता नहीं है ज़्यादा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है ज्यादा लंबी दूरी तक तय करना। अब आप बताओ कि अगर कोई रंग
वो स्कैटरिंग नहीं कर रहा है, यानी कि वो प्रकीर्णित नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कि वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो ज़्यादा दूर तक कौन जा सकता है? रेड कलर ही जा सकता है, क्योंकि ये प्रकीर्णित नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसका प्रयोग सिग्नल के तौर पर किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है बैंगनी और नारंगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बैंगनी और नारंगी रंग का पौधों द्वारा अवशोषण तीव्र किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला, देखिए वहां पे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वो तीन रंग जो प्राथमिक मूल तरंग कहलाते मूल रंग कहलाते हैं, लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में अगर मिलाया जाए तो वो कौन सा रंग मिलता है? तो हमें सफेद रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आयरिस का काम क्या होता है? आयरिस का जो काम होता है वो होता है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करना होता है, जितना जरूरत हो उतना ही आंख में प्रवेश करने देता है। तो ये काम होता है आयरिस का। और आयरिस का एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आंख का जो रंग निर्धारण होता है, किसी का आई होता है जो ब्लू होता है, किसी का जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो वो आयरिस के आयरिस पे ही डिपेंड होता है वो किसी का रंग निर्धारित करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लोग का डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया कि उल्टा वाला आंसर होगा। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, ये दोनों सीधा सीधा ऐसे ही कट गया। अब मैंने आपको बताया वास्तविक और उल्टा, तो आप देख सकते हो कि कितना भी बड़ा प्रतिबिंब होता है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, तो अगर कोई आंख में प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या बनता है? छोटा बनता है, यानी कि इससे छोटा सा बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। अगर यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक हो तो वास्तविक आपको टिक करना है, वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि नेत्रदान करते समय नेत्र के किस हिस्से को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रतिरत्य प्रभावित होंगे? जो मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चन बताया था कि जब प्रकाश हवा से लेकर कांच में जाता है तो उसके तरंग धैर्य और वेग जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, प्रभावित होंगे। तो तरंग धैर्य और वेग प्रभावित होंगे लेकिन इसके आवृत्ति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोच रहे हो कि इनमें से कोई नहीं तो होगा क्या इसका राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं कि वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक रोग होता है, ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी लेंस का प्रयोग करके आप इसको ठीक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाईफोकल लेंस, यानी कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अवतल लेंस जो होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, 2 पर 3, 3 पर 4 याद रखना है। 2 का मतलब हो गया दूर, देखिए दूर में 2 लेटर है ना, दूर, और उत्तल में भी 3 लेटर है, यानी कि दूर के लिए उत्तल लेंस लगाओ, 3 यानी कि निकट 3 आ रहा है और 4 यानी कि अवतल। तो 2 पे 3 होता है, 3 पे 4 होता है, इस तरीका से आप इसको याद कर सकते हो। और बाईफोकल लेंस का प्रयोग जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, और इसमें हमें देखना है कि गलत कौन सा है, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस करते हैं, ये करेक्ट है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस भी करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस करते हैं, ये भी करेक्ट है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए भी बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चारों ऑप्शन दिया था वो इसीलिए मैच करके दिया था कि 4 क्वेश्चंस आप यहाँ से सीख के जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर गलत क्वेश्चंस की बात करेंगे, मिलान गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं, ऑल करेक्ट है। ऑप्शन सी आप ई को टिक कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं देगा, यहाँ पे आपका एक गलत तरीके से मैच किया, लेकिन मुझे यहाँ पे सिखाना था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो आप सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
कथन असत्य है यानी कि गलत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ऊपर में हमने देखा ये तो करेक्ट हो गया। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। जरा दृष्टि दोष के बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है। अबिंदुकता के उपचार के लिए बाइफोकल लेंस, अरे ऊपर में तो हम लोग बात कर ही लिया है बाइफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष के लिए होता है, यहाँ पे क्या होगा बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता का उपचार हेतु हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऊपर मैंने आप क्वेश्चन पूछा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, आपको कमेंट करके बताना है। और बात करते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके साथ जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 50 क्वेश्चंस तो ऐसे बताए हैं और प्लस में 20 से एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस बता चुके हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कितने आसानी से प्रकाश चैप्टर को कंप्लीट किया, लाइट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछ जाएंगे आपके एग्जाम्स में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इतने सारे वीडियो को और इतने सारे एक्सप्लेनेशन को आपके साथ डिस्कस करने में, तो आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।